कभी कभी थोड़ा कड़वा भी सुनना चाहिए। वो क्या है कि इस दुनिया में हर एक की एक कीमत है, हर इंसान की एक कीमत है। सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जब आप इस तरह से जीने लग जाते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप बिक ही नहीं सकते। जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या था? थ्योरेटिकली हम बोलते हैं ये है, वो है, वो है, बट एक्चुअल में क्या है? पैसा। वो भी आपके लिए क्या हो गया? वही तक रहा जहां तक कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, दैट्स इट, ना कम ना उससे ज्यादा। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो पैसे की वैल्यू जितनी है उससे कम समझते हैं, वो बेवकूफ है। ये पैसा तो लाइफ में मैटर ही नहीं करता है। और यही लोग होंगे जो सड़क के साइड में कुछ दिनों बाद खड़े हुए मिलेंगे आपको। क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। भाई नहीं मैटर करता तो क्यों मांग रहा है? खाने के लिए। तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, नेवर से दिस थिंग कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हवा इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पैसा इंपॉर्टेंट है। उसका सर्वाइवल से तो कनेक्शन है, पैसे का सर्वाइवल से तो कनेक्शन है। क्या सेटिस्फैक्शन से कनेक्शन है? क्या अच्छी नींद से कनेक्शन है? क्या अगर आपके पास में बहुत पैसा होगा, मान लो जिस कमरे में आप सो रहे हो चारों तरफ पैसा ही पैसा है, तो नींद अच्छी आएगी या नींद उड़ जाएगी? तो पैसा कम हो तब भी नींद उड़ जाती है, ज्यादा हो तब भी नींद उड़ जाती है। ये बात सुनने में बड़ी छोटी लग रही होगी। किसी भी बंदे के पास में जाओगे, सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं हमारे आसपास में, कोई भी उठ करके ये बात बोल देगा। फिर उसको बोलो, हाँ भाई तेरी औकात कितनी है? मेरी औकात है, मैं एक ये हूं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का, मैं कम से कम 2 करोड़ चार्ज करता हूं। ले 4 करोड़, तेरे को टट्टी बेचनी है, बेचेगा? दो ना, क्या करना है? अभी तो थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, पैसे का हैप्पीनेस से कोई, तो क्यों बेच रहा है टट्टी? अभी आप हंस रहे हो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, लोग ऐसी ऐसी चीजें, सो कॉल्ड आपके जो सेलिब्रिटीज है, ऐसी ऐसी चीजें आकर के बेच रहे हैं टीवी पे, जो वो कभी भी अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो क्यों बेच रहे हो आप? कोई गरीब आदमी करे तो समझ आता है, चलो उस बेचारे के पास में पैसा नहीं, अपना पेट भरने के लिए गलत काम कर रहा है। आप क्यों गलत काम कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है अभी भी वो जानवरों के लेवल पे है। और उनके इंटरव्यूज देखोगे तो बातें बड़ी बड़ी, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओह रियली? एक्शंस कुछ और कहते हैं, बातें कुछ और है। बातें बड़ी बड़ी, एक्शंस दो कौड़ी। ये ज्यादातर दुनिया की कहानी है। किसी लेवल पे आके हम लोग डेथ के बारे में सोच सकते हैं, अगर सोचने लगेंगे तो पर्पस क्या होगा सर हम लोग आगे बढ़ने का? हाँ प्लीज सर, से आप कह रहे हो कि भाई एक लेवल पे आने के बाद में हम डेथ के बारे में सोचेंगे, वो लेवल कौन सा होगा? मतलब जब हमारे पैर कब्र में लटके पड़े होंगे, तो एक्चुअल में इसके बारे में कब सोचना चाहिए? आप में से कितनों ने मेरा लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा है? लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो 2 घंटे का है। अच्छा, बाकी ने देखा ही नहीं है? अरे देखो भैया देखो, है वो कुछ अलग लेवल की चीज है। एनी हाउ, तो उसमें एंड में मैंने क्या एक कहानी सुनाई थी, याद है किसी को क्या कहानी थी? कि जब आपकी लाइफ के आखिरी मोमेंट हो तो उससे जस्ट पहले ये थॉट आना चाहिए, मजा आ गया, क्या लाइफ थी, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। अब उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा? क्या थोड़े बहुत से काम चल जाएगा? क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा हर लेवल पे? लगाओ दिमाग लगाओ। तो बहुत कुछ करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो आप में औरों से ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है? ज्यादा है। दुनिया जहां पर जाकर के अटक जाती है, वहां से तो आपका खेल शुरू होगा। अगर ये आपका गोल है तो, अगर ये आपकी लाइफ का मोटिवेशन है तो, ये बात समझ आई जो मैंने बोली है? दुनिया का जो हाईएस्ट गोल है, वहां से तो एक्चुअल में आपके इस गोल की शुरुआत होगी। जहां पर जाकर के दी एंड है इस दुनिया का, दी एंड क्या है? पैसा जितना चाहिए था उतना मिल गया, ये एंड नहीं है बहुत सारे लोगों का। ये तो आपकी शुरुआत होगी। अब इस पैसे को आप यूज करोगे कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो एक्चुअल में आपको सेटिस्फैक्शन दे लाइफ में। ये है लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन।